आवाकाडो बनाना मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी लगता है, 2 मिनट में बन जाता है, तो आप ब्रेकफास्ट में बना के ज़रूर पीजिए। तो आवाकाडो किस तरीके से सिलेक्ट करें, तो जो अच्छे से इस तरीके से डार्क हो जाता है और प्रेस करो तो हल्का सा दबता है, तो वही परफेक्ट होता है आवाकाडो चूज़ करना। तो उसे हम नाइफ लेके चारों तरफ से इस तरीके से कट लगा लेंगे और आराम से ये कट जाता है। अब इसके सीड्स निकाल करके पल्प हम सारा स्कूप करके निकाल लेंगे। अच्छे से ये स्कूप हो जाता है क्योंकि एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट होता है अवोकाडो, टेस्ट भी इसका बटरी ही होता है। नेक्स्ट हम लेंगे एक बनाना, तो अच्छे से पका हुआ केला, इसे भी ले करके काट करके हम जार में डाल लेंगे। और डाला है मैंने एक अवोकाडो, ये पके हुए हैं, कच्चा नहीं है। नेक्स्ट इसमें मैंने डाल दिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने काजू डाला है, आपके पास जो है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे मिठास के लिए हनी, 2 चम्मच मैंने हनी डाला है। और नेक्स्ट डालेंगे इसमें एकदम चिल्ड मिल्क, एकदम ठंडा ठंडा दूध डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। बस डाला और ये है एकदम रेडी, बस 1 मिनट सबको ग्राइंड कर लेंगे हम झटपट से। तो ये है पीने के लिए एकदम रेडी, तो चलिए अब करते हैं इसे हम सर्व। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर बना के पीजिएगा। इसे हम ऊपर से सजा देंगे कुछ ड्राई फ्रूट से, तो मैंने लिया है काजू और पिस्ता चॉप करके छोटे छोटे, ऊपर से सजा देंगे, जितना मन करे उतना ऊपर से डाल दीजिए। और ये है रेडी, ये है बहुत ही हेल्दी एवोकाडो बनाना मिल्क शेक, तो ज़रूर बना के पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए, सबको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, एकदम आइसक्रीम जैसा भी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं चली पीने, और आप सभी को रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।